बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम दाग की ये गज़ल पढ़ेंगे। पहले इसको तहतुल लस्फ़ पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके इनका लफ्ज़ी तर्जुमा और फिर तशरीह। पेज 176, सफ़ा नंबर 176, दाग दहलवी की गज़ल। आईना अपनी नज़र से न जुदा होने दो, कोई दम और भी आपस में ज़रा होने दो। कम निगाही में इशारा है, इशारे में हया, या न होने दो मुझे चैन से या होने दो। हम भी देखें तो कहाँ तक न तवज्जो होगी, कोई दिन तज़किरा अहले वफा होने दो। आंख मिलते ही कहूँ खाक हकीकत दिल की, आंख मिलते ही कहूँ खाक हकीकत दिल की। देख कर जलवा मेरे होश बजा होने दो, और तुम दिलाजार बने। बेहतरीन शेर है ये, इसमें सनत तलमीह का इस्तेमाल भी है। तुम दिलाजार बने रश्के मसीहा कैसे, कम न होने दो मेरा दर्द सिवा होने दो। क्या न आएगा उसे खौफ मेरे कत्ल के बाद, क्या न आएगा उसे खौफ मेरे कत्ल के बाद। दस्त कातिल को ज़रा दस्त दुआ होने दो। और आखिरी शेर है कि जब सुना दाग कोई दम में फना होता है, जब सुना दाग कोई दम में फना होता है, उस सितमगर ने इशारे से कहा होने दो। यहाँ ये पहला शेर जिसको मतला कहा जाता है, गज़ल या कसीदे का पहला शेर, इसकी पहचान ये है कि इसके ये दोनों मिसरे आपस में हम काफिया व हम रदीफ़ होते हैं। इसमें ये काफिया है, ये रदीफ है। गज़ल की ये ख़ासियत, ये उसकी पहचान होती है कि इसमें पहला शेर मतला होता है, और मतला की पहचान ये है कि इसके दोनों मिसरे आपस में हम काफिया, हम काफिया कहते हैं हम आवाज़ अल्फाज को, जुदा ज़रा या वफा बजा सिवा दुआ कहा। ये इसमें काफ़िये हैं, और होने दो इसमें रदीफ है। ये रदीफ है, रदीफ वो लफ्ज़ या अल्फाज जो काफिया के बाद हूबहू दोहराए जाते हैं। तो इस गज़ल में जुदा ज़रा या वफा बजा, ये इसमें हम आवाज़ अल्फाज हैं, काफ़िये हैं, और होने दो इसमें रदीफ है। याद रखें काफिया बहुत सारी असनाफ़ सुखन में बुनियादी शर्त है। काफ़िये का इल्तिज़ाम, काफ़िये का इस्तेमाल, काफ़िये का लाना वो शर्त है, रदीफ कहीं भी शर्त नहीं है। हाँ, एक बार आपने रदीफ का इस्तेमाल किया फिर पूरी गज़ल या नज़्म में उसका इस्तेमाल लाजम हो जाता है। तो यहाँ ये मतला है जिसकी पहचान कि इसके दोनों मिसरे आपस में हम काफ़ी व हम रदीफ़ हैं। बाकी जितने भी अशार हैं उनके दूसरे मिसरे उस पहले शेर के साथ हम काफ़ी व हम रदीफ़ हैं। ये गज़ल की तरतीब, ये उसकी हियत होती है, बनावट या साख्त होती है। ये गज़ल की पहचान है। आखिरी शेर इसका मक्ता कहलाता है, जिस पर क़ता किया जाता है,
ख़त्म किया जाता है और इसकी पहचान इसमें अक्सर शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है। तो ये गज़ल इसकी हियत इसमें काफिया और रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है और ये इसका मजमूई एक तासुर है। अब एक एक करके इसकी तशरीह हम करते हैं। पहला शेर है कि आईना अपनी नज़र से न जुदा होने दो, कोई दम और भी आपस में ज़रा होने दो। इसमें शायर ने एक ख़ासियत, यहाँ वो मुखातिब है महबूब से, महबूब से वो कहता है कि आईना अपनी नज़र से मत हटाओ। और ये वो क्यों कहता है? मजबूरन, जब महबूब उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहा, वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, उसकी तरफ देख नहीं रहा, बल्कि अपनी ही सूरत देखने में वो महो है, तो मजबूरन तंज के तौर पर वो फिर महबूब से कहता है कि बिल्कुल मेरी तरफ मत देखो, बेशक अपने आप को देखते रहो, आईने को देखते रहो, उसमें अपनी तस्वीर, अपना हुस्न, उसका जलवा देखते रहो। इसको शायरी में वासौख्त कहते हैं। वासौख्त के लफ्जी माने एराज, रूगरदानी, तनफ़ुर, बेजारी, लेकिन इस्तिलाह में ये एक सिन्फ़े सुखन है। जब आशिक अपने माशूक या महबूब उसकी बेतवज्जुही से, उसकी कमायगी से, उसके मुल्तफित न होने से जब तंग आ जाता है, तो वो तंज व तारीज पर मजबूर हो जाता है, फिर मजबूरन उसे महबूब को जली कटी सुनानी पड़ती है, खरी खरी बातें, यहाँ तक कि उसको धमकी देनी पड़ जाती है कि अगर वो उसकी तरफ मुतवज्जे न हुआ तो मजबूरन उसे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। इस किस्म के जज्बात पर मबनी शायरी वासौख्त कहलाती है। तो ये शेर भी वासौख्त की एक उम्दा मिसाल है कि महबूब अपने आशिक की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहा, इसलिए मजबूरन वो उसे कहता है कि आईना अपनी नज़र से न जुदा होने दो। महबूब से कहता है कि और भी अपने हुस्न में आप मह हो जाएं, ताकि मेरी तरफ तवज्जो न हो आपकी, कोई दम और भी आपस में ज़रा होने दो, जैसे अपने आप को कभी देखा नहीं है। इसमें तंज का और तारीज़ का एक पहलू निकलता है कि ज़रा और भी अपने आप को देख लो, तुम्हें अपने आप से फुर्सत नहीं है तो आप हमारी तरफ कब मुतवज्जे होंगे। तो इसमें वही जज्बात हैं आशिक के। दूसरा शेर है कि कम निगाही में इशारा है, इशारे में हया। यहाँ महबूब की एक खासियत बयान की गई है, कम देखना। महबूब अपने आशिक की तरफ, शायर की तरफ बहुत कम देखता है। अहमद फरहास का एक बेहतरीन शेर है कि फराज तर्क ताल्लुक तो खैर क्या होगा, फराज तर्क ताल्लुक तो खैर क्या होगा, यही बहुत है कि कम कम मिला करो उससे। यानी ये भी एक तर्क ताल्लुक की एक नस्बत है, कम कम मिलना, कम कम देखना। कम निगाही महबूब का
अपने आशिक की तरह कम देखना, कम निगाही में इशारा है। इसकी एक ख़ास वजह है और वो वजह क्या है? हया है। यानी यहाँ दो पहलू निकलते हैं। पहला, महबूब या तो बहुत ही बाहया है, अपनी हया की वजह से, शर्म की वजह से वो अपने आशिक की तरफ देख नहीं पा रहा, और दूसरा एक ख़ास तर्ज़े फिक्र है। हसरत का एक शेर है कि देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवे इश्क नहीं हुस्न को रुस्वा करना। इसी तरह अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो कभी कभी ये एक नुक्ता भी यहाँ आ जाता है कि कभी कभी शर्म हया की वजह से, और कभी कभी के हमारे इश्क का, हमारी मोहब्बत का लोगों पे इजहार न होने पाए तो भी लोग अपनी मोहब्बत को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों सूरतें यहाँ नुमाया हो जाती हैं कि कम निगाही, उसकी एक ख़ास वजह, उसमें एक पोशीदा बात है, और वो पोशीदा बात क्या है? हया है। लेकिन उसका असर आशिक पे क्या हो रहा है? या न होने दो मुझे चैन से, या होने दो। यहाँ एक बात नोट करने की है, वो ये है कि उसने पहला जो उसको महबूब को चॉइस दी है वो ये है कि या न होने दो मुझे चैन से, यानी उसकी पहली तरजीह क्या है कि मैं चैन से न रहूं। और चैन से न रहना क्या है? महबूब की वही कम निगाही है, वही बेतवज्जुही है जिससे उसकी मोहब्बत में शिद्दत आ जाती है। तो आशिक भी यही चाहता है कि जितना मेरा महबूब मेरी तरफ कम मुल्तफित होगा, मुतवज्जे होगा, उतनी मेरी मोहब्बत में शिद्दत पैदा हो जाएगी। तो उसकी पहली तरजीह यही है, या न होने दो मुझे चैन से, या होने दो। चैन कब आएगा? जब वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो पा रहा, और उसकी भी एक ख़ास वजह है, हया। तो यहाँ वो अपनी तरफ से भी ये चॉइस दे देता है कि इसी तरह कम निगाही, कम कम देखा करो, बेतवज्जुही बरतो, ताकि मुझे चैन न आ सके। चैन के हवाले से जॉन एलिया का एक बेहतरीन शेर याद आ रहा है, ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहां मैं क्या। यानी एक महबूब के होने से चैन और न होने से बेचैनी। तो महबूब का इसी तरह कम देखना, कम मुतवज्जे होना, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से न देना, ये उसके चैन और सुकून में खलल और रुकावट पैदा होता है, और उसके देखने से उसे चैन आ जाता है, उसे सुकून, उसे करार मिल जाता है। तीसरा शेर है कि हम भी देखें तो कहाँ तक न तवज्जो होगी, कोई दिन तज़किरा अहले वफा होने दो। यहाँ एक चैलेंज है, ये अल्फाज अगर आप देख लें, हम भी देखें तो, अपने महबूब को वो चैलेंज दे रहा है कि तुम जो हमारी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे, इसकी भी एक हद होनी चाहिए। गालिब का एक शेर है कि
बेनियाजी हद से गुजरी बंद परवर कब तलक, बेनियाजी हद से गुजरी बंद परवर कब तलक, हम कहेंगे हाल दिल और आप फरमाएंगे क्या। तो आशिक का तो काम ही इस तरह बेतवज्जुही बरतना है, लेकिन यहाँ दाग अपने महबूब को चैलेंज दे रहा है, उसको चेतावनी दे रहा है कि हम भी देखें तो कहाँ तक न तवज्जो होगी। कोई दिन तज़किरा अहले वफा होने दो, उसके लिए फिर वजह और रीज़न क्या पेश करते हैं, अहले वफा का तज़किरा। अहले वफा मुरक्कब है वफा वाले वफादार, जो मोहब्बत में पूरा उतरते हैं। तो जो अपनी मोहब्बत में पूरा उतरने वाले हैं, उनका जब कई दिन तक मुसलसल तज़किरा होता रहेगा तो उसका असर ज़रूर हमारे महबूब पर भी हो जाएगा और उसे भी अपने आशिक पे आखिर तरस आ ही जाएगा और उसकी तरफ तवज्जो देगा। तो कोई दिन तज़किरा अहले वफा होने दो, जो वफा वाले हैं उनका ज़िक्र सुन के। फैज़ अहमद फैज़ का एक बेहतरीन शेर है कि एक तर्ज़ तगाफ़ुल है सो वो उनको मुबारक। महबूब का काम ही बेतवज्जुही बरतना है, गफलत से काम लेना है। एक तर्ज़ तगाफ़ुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़ तमन्ना है सो वो हम करते रहेंगे। एक अर्ज़ तमन्ना है वो हम करते रहेंगे। तो आशिक का काम तमन्ना करना है और माशूक का काम गफलत बरतना है। तो यहाँ भी वो चैलेंज दे रहा है अपने महबूब को कि हम भी देखते हैं कि कब तक वो इसी तरह हमें इग्नोर करता है। वजह, चंद दिन तक अहले वफा की बातें वो सुनेगा, खुद ब खुद उसके दिल में भी रहम और हमदर्दी के जज्बात पैदा हो जाएंगे। अगला शेर है कि आंख मिलते ही कहूँ खाक हकीकत दिल की, आंख मिलते ही महबूब का जलवा नज़ारा, उसकी शक्ल तस्वीर देख लेना। जब उससे आंखें दो चार हो जाएं, जब उनसे महबूब से उनकी आंखें दो चार हो जाती हैं, उस वक्त उसके होश ही बजा नहीं रहते। देखकर जलवा मेरे होश बजा होने दो। मतलब यह है कि जब महबूब से उसका आमना सामना हो जाता है, उसका जलवा उसका नज़ारा उसे देखने को मिल जाता है, उस वक्त तो वो अपने होश में ही नहीं रहता। गालिब का एक शेर है कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क मरने और जीने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क मरने और जीने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर दम निकले। यानी जिस महबूब को देखने की हम कोशिश करते हैं और उसी इंतज़ार में हम रहते हैं और इसी भरोसे और सहारे हम ज़िंदा रहते हैं, महबूब को देखने की खातिर हम ज़िंदा रहते हैं, उसी महबूब को देखने की हम में फिर सलाहियत भी नहीं है। उसी महबूब को देखने की हम में फिर ताप भी नहीं है जिस काफिर पे दम निकले। मूसा अलैहि सलाम का वाक़या कोहे तूर पे
मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही तकाजा किया कि ए अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, तू नहीं देख सकता। और फिर कई हज़ार पर्दों में लिपटा हुआ नूर का एक जलवा जब दिखाया गया, पूरा का पूरा पहाड़ राख हो गया। तो हम देखने की सलाहियत भी नहीं रखते लेकिन फिर भी तकाजा करते रहते हैं। यही बात यहाँ दाग किस तरह कह रहा है कि आंख मिलते ही कहूँ खाक हकीकत दिल की, रोज़मर्रा है, खाक हकीकत दिल की, यानी ऐसे हालत में, ऐसी कैफियत में मैं दिल की हालत का बयान कैसे कर सकता हूँ जब मैं अपने होशो हवास में भी नहीं, और होशो हवास में न होने की वजह महबूब का देखना है, उसका जलवा है, उसका नज़ारा है। आगे कहते हैं कि तुम दिल आज़ार बने रश्के मसीहा कैसे। यहाँ दो बातें हैं, एक महबूब की खासियत है, वो जालिम है, दिल आज़ार, दिलों को तड़पाने वाला, मुसीबत में डालने वाला। तुम दिल आज़ार, ऐ महबूब जिसकी खासियत दिल आज़ारी है, दिलों को तड़पाना है, वो बन जाता है रश्के मसीहा, ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के इज़्न से, और मुर्दे भी ज़िंदा हो जाया करते थे। रिवायत है कि चार बंदों को ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किया है, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी, एक बुढ़िया उसका जवान बेटा था, एक उसका एक दोस्त था ईसा अलैहिस्सलाम का। फिर बनी इसराइल कौम ने उनसे तकाजा किया कि ये लोग तो अपने होश में नहीं थे, दोबारा होश में आ गए, तुम किसी पुराने मुर्दा को ज़िंदा करके दिखाओ। तो रिवायत में है कि फिर कई हज़ार साल पहले का एक मुर्दा उनकी कब्र पे ईसा अलैहिस्सलाम को ले जाया गया और कहा गया कि इनको ज़िंदा कर दो। जब अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की मर्ज़ी से उसने दुआ की ईसा अलैहिस्सलाम ने और वो मुर्दा ज़िंदा हो गया, तो उठते ही उसने कहा क्या क़यामत बरपा हो गई। और फिर उसके बाद कहते हैं कि वो चंद लम्हों तक ज़िंदा रहा और फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और मर गया। तो ये तलमी है ईसा अलैहिस्सलाम की, मसीहा इलाज करने वाला, मदावा करने वाला। अब रश्के मसीहा एक मुरक्कब है, मसीहा के लिए रश्क का बायस। अब महबूब जिसकी खासियत जुल्म करना है, वो मसीहा के लिए रश्क का बायस बन जाता है, वो मसीहा से मुकाबला करने वाला बन जाता है, वो भी मसीहा बनने की कोशिश करने लगता है। तो ऐसे में होगा क्या फिर? होगा यही कि महबूब अपने आशिक का इलाज कर लेगा, उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा और आशिक का मसला, उसके दिल का दर्द कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो तासुर वो इस मिसरे में दे रहा है कि महबूब के मुल्तफित होने से उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए भी आशिक तैयार नहीं है। यहाँ गालिब का एक शेर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। गालिब कहता है कि दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या, दोस्त अहबाब अगर मेरे साथ गमखारी करते हैं तो क्या सही फरमाएंगे, क्या मेरी कोशिश, क्या मेरी अपनी कोशिशों से मदद कर पाएंगे ज़ख्म के भरने तलक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ज़ख्मों को भर देंगे।
तो जख्म भरने तलक नाखून न बढ़ आएंगे क्या? दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या? जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ आएंगे क्या? तो गालिब कहता है कि दोस्त अहबाब मेरे साथ गमखारी कर रहे हैं, मेरे ज़ख्मों का इलाज कर रहे हैं, वो ज़ख्म ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब तक ज़ख्म ठीक होंगे उस वक्त तक मेरे नाखून फिर बढ़ आएंगे, वो फिर बढ़ चुके होंगे, मैं उनको फिर खुरेदना शुरू कर दूंगा। तो इश्क में शिद्दत उस वक्त पैदा होती है जब महबूब आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता, लेकिन अगर वो रश्के मसीहा में मसीहा बनने की कोशिश में दिल आज़ार बनने से आपकी तरफ मायल हो जाता है, वो दिल आज़ारी छोड़ के आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है, आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे देता है, फिर तो आपके दर्द में कमी होनी चाहिए। लेकिन आशिक कहता है कम न होने दो मेरा दर्द। वो कहता है आपका यूं रश्के मसीहा बनना हमें कबूल नहीं है, वजह मेरा दर्द कम हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहता मेरे दर्द में कमी हो। कम न होने दो मेरा दर्द सिवा होने दो, मतलब ये है कि तुम रश्के मसीहा छोड़ दो, तुम दिल आज़ार हो, दिल आज़ार ही सही। आगे कहता है कि क्या न आएगा उसे खौफ मेरे कत्ल के बाद, क्या न आएगा उसे खौफ मेरे कत्ल के बाद। हसरत का एक शेर है कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। यानी अपने अशफ़ा गमज़ा से, आंखों के इशारे से, तिरछी नज़रों से वो हमें कत्ल कर देता है। तो महबूब का यूं कम निगाही करना, बेतवज्जुही करना, कभी कभी आंख मिला लेना, मुतवज्जे होना, ये अपने आशिक को कत्ल करने की बातें हैं। तो जब आशिक अपने महबूब के हाथों कत्ल हो जाता है, दाग ही का एक शेर जो अभी पहले हमने कहा भी कि हमने उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया। आशिक तो हमेशा अपने महबूब के हाथों कत्ल होने के लिए तैयार रहता है और महबूब लम्हा बलम्हा उसको कत्ल करता ही रहता है, वो उसको कत्ल करता ही रहता है। लेकिन यहाँ दाग क्या कहना चाहता है कि जब वो मुझे कत्ल कर चुकता है उसके बाद भी क्या उसे खौफ नहीं आता, उसको पशेमानी नहीं होती। एक बेहतरीन शेर है कि वो आए हैं पशेमा लाश पर अब, वो आए हैं पशेमा लाश पर अब, तुझे ऐ जिंदगी लाऊं कहां से। यानी एक बार जब आशिक की जिंदगी का खात्मा हो जाता है उसके बाद अगर उसको पछतावा हो भी जाए और वो आपसे मिलने आ भी जाए, लेकिन अब जिंदगी जो नहीं रही। वो आए हैं पशेमा लाश पर अब, तुझे ऐ जिंदगी लाऊं कहां से। जब तक जिंदा थे वो आ नहीं रहे थे, जब हम मर गए अब आने का फायदा क्या। तो यहां वो क्या कहना चाहता है कि क्या न आएगा उसे खौफ मेरे कत्ल के बाद, जब वो मुझे कत्ल कर चुकता है उसके बाद भी क्या उसे खौफ नहीं आएगा। हाँ कब आएगा, दस्त कातिल को जरा दस्त दुआ होने दो। दस्त कातिल को, दस्त कहते हैं हाथ को, दस्त कातिल, कातिल का हाथ मुरकब इजाफी है, दस्त दुआ, दुआ वाला हाथ होने दो।
जब आप हाथ दुआ के लिए उठाते हैं तो एक नफ्सियाती नुक्ता है, आपको अपने किए तमाम गुनाह और जराइम सामने आ जाते हैं। जब महबूब दुआ के लिए हाथ उठाएगा तो उसको अपने किए तमाम गुनाह याद आ जाएंगे, जो जो कुछ उसने किया होगा वो उसे ज़रूर याद आ जाएगा। तो जब वो हाथ उठाएगा दुआ के लिए तब उसे मेरी मोहब्बत सताएगी, मुझ पर किए जुल्म उसको याद आएंगे, तब उसको पछतावा होगा, तब वो खौफ ज़दा हो जाएगा। और आखिरी शेर है कि जब सुना दाग कोई दम में फना होता है, जब सुना महबूब ने जब ये सुन लिया कोई दम चंद लम्हों में, यानी वक्त नज़ा जब वो मरने के करीब है, तो महबूब ने जब सुना दाग कोई दम में फना होता है, वो करीबुल मर्ग है, मौत के दहाने पर है, उस सितमगर ने इशारे से कहा होने दो। यानी उसकी सितमगरी आप देख लें कि जब उसका आशिक मरने को तैयार, मरने के बिल्कुल करीब फना होने वाला है, फिर भी उस सितमगर को उस पर तरस नहीं आता, वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता, उससे मिलने नहीं आता, बल्कि उल्टा इशारे से कह देता है रुख्सत होता है होने दो। जब सुना दाग कोई दम में फना होता है, उस सितमगर ने इशारे से कहा होने दो। ज़ौक़ का एक शेर है कि कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया, कहते हैं आज ज़ौक़ जहाँ से गुज़र गया, क्या खूब आदमी था, खुदा मग़फ़िरत करे। तो दाग भी इसी तरह रुख्सत हुए महबूब की याद में, और ये पूरी गज़ल आप देख लें तो इसमें मामलात इश्क, उनकी शोखी और महबूब से छेड़छाड़, तकरीबन तमाम बातें मिल जाती हैं। दाग का एक शेर है, होशो हवास व ताबो तवा जा चुके हैं दाग, होशो हवास व ताबो तवा जा चुके हैं दाग, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। तो इस तरह दाग आखिर में फना हो जाते हैं महबूब के इश्क में, उसकी याद में, वजह सारी ज़िंदगी उसी के इश्क में नातवानी, कमज़ोरी और इसी तरह मसायब व मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो यही मामलात इश्क हैं जिनका बयान उनकी शायरी में आपको जगह जगह मिलता रहता है। उम्मीद है आपको ये गज़ल समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।